हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसे कि आपको पता है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेशन 2024-25 पीएचडी का एप्लीकेशन का फॉर्म जारी हो चुका है, और जो जामिया में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 10-10-2024 से 30-10-2024 तक अप्लाई कर सकते हैं जामिया की वेबसाइट पर जाके, जो आपको वहाँ पर 10 तारीख से ये लिंक मिल जाएगा, जो कि आज 11 तारीख है। तो आपको लिंक जो है वेबसाइट में मिल जाएगा, या आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप वहां से चैनल का लिंक, अप्लाई करने का लिंक ले सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस बार भी अपना एडमिशन का प्रोसेस एंट्रेंस बेस और एग्जामटेड बेस करा रहा है, यानी कि इसमें दो कैटेगरी होती हैं जो जामिया पहले से ही कराता आ रहा है। जामिया ने यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो ना करते हुए अपना रोल ही फॉलो किया है, तो उसी आधार पर जामिया ने पीएचडी का फॉर्म भी निकाला है। तो जैसा कि आपको पता है, दिख रहा है इसमें भी कि 10 तारीख से ये फॉर्म भरा जाएगा और 30 तारीख तक लास्ट डेट है। तो 20 दिन का टाइम है, आप इसमें जाकर 20 दिन के अंदर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी यूजीसी का नेट का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो आप रिजल्ट का वेट करने के बाद भी इसको फिल कर सकते हैं। जिन लोगों का नेट या जेआरएफ की उम्मीद है जिन लोगों को, तो वो आप वेट कर सकते हैं, 4-5 दिन रुककर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं दूसरी चीज़ बता दूं कि जो एंट्रेंस वाले हैं उनके जो मैं क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो पर भी कमेंट आ रहे हैं उनके, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं कि एंट्रेंस का जो पैटर्न होता है वो किस तरह से पूछे जाते हैं, या क्या उसका वो रहता है पैटर्न। तो मैं आपको बता दूं कि जामिया का जो पैटर्न है एंट्रेंस का, वो दो पार्ट में होता है, एक और एक दो। इसमें आपके आएंगे, पहले जो पैटर्न वाला है इसमें आते हैं नेट वाले और जेआरएफ वाले। तो ये डायरेक्ट जो है इंटरव्यू देंगे दोनों, ये पहली कैटेगरी है, इनको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये डायरेक्ट जाके अपनी सिनोप्सिस तैयार करें और जाके इंटरव्यू दे दें, फॉर्म फिल करें और डायरेक्ट जाके इंटरव्यू देंगे। लेकिन दूसरे जो कैटेगरी है वो है एंट्रेंस टेस्ट वाली। इसमें एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो आपका दो भाग में होता है। अब इसके दो भाग हैं, जिसमें दो पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा ये भी 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें आपको जो है दो भाग में बांट दिया जाएगा। ये भी आपका, जिसमें 50 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर का आपका एमसीक्यू बेस क्वेश्चन होंगे इसमें। लेकिन इसको पास करने का क्राइटेरिया क्या है, इसको पास करने का क्राइटेरिया है 50% आपके दोनों पेपर में मिला के होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि जो जनरल पेपर है आपको इसमें 50 नंबर लेकर ही आने हैं, अगर आपके 49 नंबर भी हैं तो आप इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप नीचे वाले 100 नंबर में से 80 नंबर भी लेकर आ जाते हैं तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर में 50 नंबर लाने ही लाने हैं, ये आपका रूल है। उसी के साथ साथ में फिर जो ये 100 नंबर का है इसमें भी आपको 50 नंबर लेकर आने हैं, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, जामिया का जो रूल है। तो इस तरह से एक ये बिल्कुल आसान से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से पेपर होना है और किस तरह से हमें पासिंग मार्क्स क्या क्या लेकर आने हैं या क्या क्या उसमें नहीं हो। लेकिन अब आपको बता दूं कि इन जो ये 100 नंबर का जनरल पेपर है, इसके आपके मेरिट इससे नहीं बनेगी, ये सिर्फ एक क्वालिफाई पेपर है और इसका मार्क्स नहीं जुड़ते हैं आगे जाकर। तो इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, 100 नंबर के इंटरव्यू के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। तो इस बात को आपको मैं और डिटेल के साथ में बस दिखा देता हूँ, एक नोटिस और है मेरे पास में जामिया का जो अभी आया हुआ है। तो इसमें आपको ये सब चीज़ तो पता है कि मास्टर्स में 55% चाहिए, ये सब चीज़ें, लेकिन मैं एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए बता दूँ कि एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए क्या रूल है। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 क्वेश्चन पेपर पेपर 1 एंड 2 इक्वल वेटेज एंड पेपर 1 शैल बी ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा पेपर 1,
तो ये आपको दिखा कि पेपर एक जो होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, और उसके बाद में लेकिन जो सेकंड पेपर है वो आपका 3 घंटे का होगा। ये रहा आपका पेपर सेकंड, 3 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड पेपर है उसमें 2 भाग है, मैंने आपको बताया था कि एक का रिटन एग्ज़ाम और दूसरा एमसीक्यू। तो आपका जो टोटल है 5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। आपको बीच में गैप भी मिलेगा कि आपका फर्स्ट पेपर पहले होगा, उसके बाद में 1 या 2 घंटे का आपको गैप मिलने के बाद में आपका सेकंड पेपर होगा, वो 3 घंटे का होगा। तो इसमें सिर्फ यही आपको देखना है कि पेपर फर्स्ट का किस तरह से है और सेकंड का आपका सब्जेक्टिव है। लेकिन अब कुछ बच्चों का डाउट है कि जो पेपर फर्स्ट में है उसका सिलेबस क्या होने वाला है, या फिर उसका पैटर्न क्या होगा, और जो सेकेंड पेपर है वो उसमें हार्ड क्वेश्चन बनते हैं या क्या, किस तरह के सवाल बनते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक दो बच्चों के अब इंटरव्यू करने वाला हूँ जो जामिया के ही स्टूडेंट है। तो आपको मैं आज या कल में वो इंटरव्यू की वीडियो आपको मेरे देखने को मिल जाएगी। उसमें डिटेल के साथ में वो बताएंगे कि असल में किस तरह का सिलेबस होता है, किस तरह से सिनोप्सिस बनाई जाती है, किस तरह के टॉपिक की आपको आवश्यकता है जामिया में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी लेनी है तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको जानकारी लेनी है तो मैं आपको नंबर दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि जामिया PhD के बारे में आपको जो भी जानकारी लेनी है। तो साथ ही साथ आपको दिखा दूं कि ये आपको नोटिस भी मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि किस तरह की पूरी डिटेल है। लेकिन जो अगर आपको PhD हिंदी उर्दू या किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है तो उसके कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि BHU का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है PhD का, उसमें भी एंट्रेंस टेस्ट लिखा हुआ है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। जब तक डिटेल नोटिस नहीं आएगा तो तब तक हम क्लियर नहीं करेंगे। मैं एक बार उसके ऊपर भी अच्छे से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम जामिया के ऊपर ही वीडियो बना रहा इंटरव्यू करेंगे हम। आज या कल में मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से सिलेबस है, कैसा पैटर्न होता है, क्या प्रोसेस है जामिया में एडमिशन लेने का, वो स्टेप बाय स्टेप आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आज से ही, कल से ही बल्कि फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। कुछ बच्चों को अभी तक लिंक नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।